बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना, ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपनी पुरानी औकात पर आ जाएगी, खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है बेवकूफ? आज तेरी खाल खींच कर भूसा ने भर दिया तो। दादी माँ मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे। सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है। अरे बैल की पीठ से समझ के कमबख्त पीटा था, मनुष्य के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी मम्मी, अरे ले आई बेटा, अच्छी तरह गर्म की ना। ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा दो चार दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटाई नहीं था। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो दादी माँ? गीता जी, भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से? क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नए काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बुढ़े, 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में, अभी मुंह क्या दिख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं चला सकता, चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं, इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत, रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर
छुओ पैर। रामुका मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू ठहरो। कौन से सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी, बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करेंगे। ये लींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे का बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो, पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या फोकट में देते हो? डैम यू। ये क्या है? बैंगन है। हैं? बैंगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए एक किलो। तुम क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं गीता, साफ साफ बताओ ना क्या बात है। राका मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेल गाड़ी एक ही पटरी पर लाने। जाऊं, जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी, कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी, मैंने हाँ कह दी। बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं, अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? अच्छा मैं जरा हरी हरी वाला ज्वेलर्स किया हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं, सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, पर आज तक ये बात मैंने छुपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं, मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं, और वो नहीं जानता कि मैं एक ऊंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये तस्वीर किसकी है? ये तो आपके बद्रीनाथ जी की भतीजी सीता है। कल तक मैं भी यही समझता था, लेकिन ये लड़की सीता नहीं, सीता की शक्लो सूरत वाली एक बंजारन गीता है। तो फिर सीता कहाँ है? उसे ढूंढना तुम सबका काम है, वो जहां भी हो उसे यहाँ उठा लो, लेकिन 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक। अरे अरे बाबा, देख के। देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी यही कहीं मेरी कार होगी? हाँ हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए। चुपचाप अंदर बैठ जाओ वरना।
बेटी, अरे अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात के तो आने का वक्त हो गया। चाचा जी, मैं समझता हूँ बेटी, आज अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होती तो भाभी अपने हाथों से दुल्हन बनाती तुम्हें और भाई साहब तुम्हें विदा करते, लेकिन क्या करूं बेटी, मैं बहुत अकेला पड़ गया। अच्छा बेटी, मैं चलूं, तुम तैयार हो जाओ।